भाजपा प्रत्याशी पंडित टेकचंद शर्मा के समर्थन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने पिथला विधानसभा क्षेत्र के भनकपुर गांव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और दावा किया कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। गांव में पहुंचने पर डिप्टी सीएम का और प्रत्याशी का गाँव वासियों ने भव्य स्वागत किया और अपना पूरा समर्थन दिया। पूरे प्रदेश में भ्रमण के बाद हम कह सकते हैं कि बीजेपी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। अभी जहां मीटिंग चल रही है प्रथला में, प्रथला विधानसभा क्षेत्र में पंडित टेकचंद शर्मा जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, विपक्षी की पूरी तरह से यहां जमानत जब्त हो। आप लगातार पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक तरफा है। 20-25 दिनों में पूरी तरह से आम जनता ने, हरियाणा के सर्व समाज के लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने मन बना लिया है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही आएगी, प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। आपने निमंत्रण भी दे दिया है, सब लोगों को बुलाया मैंने अयोध्या जाने का, सब लोग आएंगे, मैं दर्शन की व्यवस्था करेंगे। थैंक यू शर्मा जी। आज भरतपुर गांव पहुंचे, डिप्टी सीएम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के, ब्रिजेश पाठक जी, किस तरीके का माहौल देख रहे हो, क्या मानते हैं? देखो, भरतपुर मेरा अपना निजी गाँव है। भनकपुर में चाहे पानी की समस्या हो, चाहे चौपालों की समस्या हो या सैम की समस्या हो, मैंने अपने टाइम में इसको निजात दिलाने की पूरी कोशिश की। और आज भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ जो खारे पानी की समस्या थी, जो यहाँ जहरीला पानी था, उससे आज इस बस्ती में कम से कम 5 लाख का हर महीने पानी आता था मूल का, और आज सारे गाँव पानी जमुना जी का रेनी वेल के माध्यम से पानी पी रहा है। इसलिए मैंने कार्य किए थे यहाँ, पर यहाँ मेरा लगाव बहुत ज्यादा है। आज ब्रजेश पाठक जी पहुंचे थे गांव में, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आप इसलिए देख लीजिए कि यहाँ चारों तरफ से जो माहौल है खुशनुमा है, और सभी ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए कल प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि पृथला एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें हिंदुस्तान की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमारे पृथला में बनी थी, तो इससे बड़े नई चीजें मैं क्या ला सकता हूँ। 17 पहले इंस्टीट्यूट लेके आया था, अब एक बार आगे का भी हमने प्लानिंग बना रखा है, जैसे मोहला से कैली तक का सर्विस रोड है, सैम की समस्या के लिए ट्यूबवेल लगवाने हैं या अन्य कोई कार्य हैं, उन सबको लेकर के, चाहे गोची ड्रेन की सफाई का काम है, चाहे आगरा और ये आगरा गुड़गावा मथुरा ये सॉरी यमुना का जो पानी का जो है प्रदूषण वाला है, उसके भी समाधान के लिए कोशिश करेंगे। और ऐसे कैंडिडेट हमने अभी तक नहीं देखे जो जिन्होंने पहले काम किए उनका ब्यौरा दिया हो और आगे जो करने वाले हों उनका भी ब्यौरा दे रखा है। इसी बेस पर मैं वोट मांगता हूँ कि जो लोग हैं मेरे से पहले भी रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है वो अपना जो कार्य किया उनका भी परपत्र लिख के दें और आगे उनकी क्या प्लानिंग है वो भी बता के दें। तो लोगों को सच्चाई ये पता लगेगा। मावस में भनकपुर गांव ने क्या वादा किया है पंडित जी? आज देखिए, आज अमावस्या थी, कनागती अमावस्या बोलते हैं इसको, और इसमें इन्होंने सबने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया है कि भाई आने वाले समय में भाजपा के प्रत्याशी भाई टेकचंद शर्मा को, जिन्होंने यहाँ भागीरथ बन के गंगा जल जमुना का पानी लाए थे, उस वादे को निभाएंगे और आगे चल के विजयी बनाएंगे।